हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के साथ हमें एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने NISM सीरीज़ 5A के जितने भी चैप्टर्स हैं पूरे सिलेबस में उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, अगर आपने वो डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी अभी तक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियोज़ देखिए, देन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप आइए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, आपका एक दो दिन में एग्जाम है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस ना करूँ, साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी करा दूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस लेके चलूँ और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे आपको पढ़ने में ईजी हो जाए। और मैं आपके साथ चाहता हूँ कि अप्रोक्स मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब यहाँ पे डिस्कशन कर लूँ, जिसके लिए मैंने अप्रोक्स लिस्ट बनाई है 500 क्वेश्चंस की, जो मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको हमारे थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे फ्री में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। लेकिन उसके लिए दो रिक्वायरमेंट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप हमें व्हाट्सएप करो या फिर कॉल करो, उससे पहले मैं बता देता हूँ हमारे यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है जो मस्ट है। पहली, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस आपकी एज 22 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी दो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आप हमें अभी व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपको नेक्स्ट अवेलेबल बैच होगा हम आपको दिला के आपका पूरा जो इसका प्रोसीजर है, आपकी फ्री कोर्स प्लस फ्री एग्ज़ाम प्लस फ्री ARN तक का कंप्लीट प्रोसीजर हम आपके साथ में कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको किसी को भी एक भी रुपया नहीं देना है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, कहीं पे एक रुपया भी आपको नहीं पे करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। पहली वीडियो है, मैंने आपको ये बता दिया है, अब आगे देखते हैं इन 10 क्वेश्चंस में कितना मज़ा आएगा आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, मतलब जो हम सीरीज़ बना रहे हैं ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी है, आपके मॉक टेस्ट भी और आपकी प्रैक्टिस की भी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड हैज ए फिक्स्ड, एक जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता है उसका फिक्स क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो, कि हमारे मेनली दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, ओपन एंडेड एक क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में हम म्यूचुअल फंड से कभी भी सेल और परचेज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्टली, लेकिन जो क्लोज एंडेड होते हैं उसमें एक फंड साइज आपका लिमिटेड होता है, जितना आपको AMC इशू कर देगी मार्केट में, देन उसके बाद अगर आपको वो फंड परचेज करना होगा तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेज कर सकते हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका, क्या हुआ बताइए, फंड साइज, ये आपके आंसर है। क्योंकि NAV आपकी कभी फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्राइस की मूवमेंट के साथ में फ्लक्चुएट होगी, तो ये आपकी फिक्स नहीं हो सकती। रेट ऑफ रिटर्न कभी फिक्स नहीं होता और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हुआ यहाँ पे हमारा, फंड साइज। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया आपका फंड साइज। ये इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, मैं आज इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, ऐसे करेंगे, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द मैक्सिमम लोड दैट ए फंड कैन चार्ज इज डिटरमाइंड बाय द, मैक्सिमम लोड का मतलब पता है आपको क्या होता है, मैक्सिमम लोड का मतलब होता है अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को बेचते टाइम जो चार्जेस लगते हैं, एक्सपेंस लगा सकती है एक AMC, वो मैक्सिमम कितना लगा सकती है, यानी कि एक इन्वेस्टर को जो पैसा म्यूचुअल फंड बेचने के बाद घट के मिलेगा तो मैक्सिमम लोड वो कितना हो सकता है, उसको डिसाइड कौन करेगा। AMC नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर AMC करने लगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, क्योंकि उसका उसमें वो खर्चा उसको जस्टिफाई करना है कि ये खर्चा मैंने किया, वो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा बताएगी, अपनी सैलरी बढ़ा के बता देगी, फंड मैनेजर कुछ भी कर देगी, तो इसलिए AMC का ये कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सेबी नहीं करती, क्योंकि सेबी सिर्फ रेगुलेट करती है, इस तरह की कंट्रोलिंग नहीं करती।
तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या है, AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। ये काम AMFI का है कि वो जो लोड है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये जो परसेंटेज है ये AMFI बताती है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इसका आंसर हुआ हमारा AMFI। ठीक है, क्लियर क्लियर, आगे बढ़ो। थर्ड क्वेश्चन, ए गिल्ट फंड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंड दैट इन्वेस्ट, जहां भी गिल्ट फंड का नाम आ जाए तो समझ लेना वो मोस्ट सिक्योर फंड की बात हो रही है, और वो गवर्नमेंट फंड से रिलेटेड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे कि एक गिल्ट फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी गिल्ट फंड आ जाए तो समझ लेना गिल्ट फंड इन्वेस्ट ही आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द हाईएस्ट रिस्क इज एसोसिएटेड विद, किस फंड के साथ में हाईएस्ट रिस्क होता है। आपके AMC, जो AMC करते हैं, ये यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इन AMC, तो यानी कि ये वाला आंसर तो आपका नहीं है। ठीक है, गिल्ड फंड में रिस्क कम होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और डेट फंड में भी रिस्क कम होता है क्योंकि वहाँ पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आता है, कम आता है बट वो रिस्क फ्री होता है एक तरीके से। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जितनी भी होती है उनमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हुआ, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द NAV ऑफ द म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, कीप ग्रोइंग अप द स्टेडी रेट, फ्लक्चुएट विद द मार्केट प्राइस मूवमेंट्स, कैन नॉट गो डाउन एट ऑल। इसका मतलब क्या होता है, NAV कैसे निकलती है, यानी कि म्यूचुअल फंड ने जो जो उसके पास पैसा है उसने कहीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, उन सिक्योरिटीज उन शेयर्स में जो रिटर्न आती है उसके बेस पे NAV फ्लक्चुएट करती है, अप डाउन होती है। तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट तो हो नहीं सकती है, तो यानी कि ये वाला आंसर नहीं है, और स्टडी रेट पे भी नहीं जा सकती क्योंकि मार्केट तो फिक्स है नहीं आपकी। तो ये फ्लक्चुएट होती है मार्केट की प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर हो गया सी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इज वन दैट हैज एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पहला क्वेश्चन जब हम डिस्कशन कर रहे थे, ओपन एंडेड फंड वो फंड होता है जिसमें आप कभी भी सेल और परचेज कर सकते हो सिक्योरिटीज डायरेक्टली AMC के थ्रू। यानी कि यहाँ पे क्या है, यूनिट अवेलेबल फॉर सेल एंड परचेज ऑल टाइम्स। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया आपका ये वाला बी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। द फिक्स टर्म प्लान सीरीज इज, जो फिक्स टर्म प्लान होते हैं वो किसकी सीरीज होती है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं होती, होती है बैंक की। बैंक की सीरीज क्या होती है, ओपन एंडेड नहीं होगी, क्लोज एंडेड नहीं, क्योंकि ये तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो गई आपकी। कॉरपोरेट बॉन्ड भी नहीं होते, ये आपका होता है फिक्स टर्म बैंक डिपॉजिट। ठीक है, जिसको हम FD भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हुआ, आंसर बी ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। एन ओनर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स के अलावा जिनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड में, यानी इक्विटी वालों को बाद में मिलेगा, पहले प्रेफरेंस वाले को मिलेगा। ठीक है, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए इसका, राइट इन वोटिंग राइट के तो नहीं होते, तो इसलिए ये वाला तो नहीं है। फिक्स डिविडेंड इनकम फ्रॉम पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, फिक्स डिविडेंड इनकम इनकी फिक्स होती है। ठीक है, वोटिंग राइट एंड अनलिमिटेड डिविडेंड, अनलिमिटेड नहीं होती, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है इनको, जिस रेट पे ये होंगे उसी रेट पे मिलेगा, नो गारंटेड राइट्स, कोई गारंटेड नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। ठीक है, अब कभी भी कोई भी क्वेश्चन करे तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इसमें बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा दो चीज़ें ठीक है, दो आंसर मुझे ठीक लग रहे हैं, पर उसमें से जो बेस्ट होगा ना, जो ज़्यादा बेटर होगा, जो ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहा होगा उस चीज़ से रिलेटेड होगा, वो हमारा आंसर होगा। MCQ में हमेशा ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, चलो, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बाय। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, यानी कि मार्केट वैल्यू कितनी है उस कंपनी की, जितने शेयर्स हैं
और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मार्केट प्राइस से। नहीं, जो मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है आज की डेट में इस कंपनी के सारे शेयर अगर मार्केट में बेच भी दे तो कितना पैसा मिल जाएगा, उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यानी कि आउटस्टैंडिंग शेयर की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, मार्केट प्राइस से। यहाँ पे कहा आंसर, रुपीज़ 10 से तो नहीं करेंगे, तो ये वाला नहीं है, फेस वैल्यू से नहीं करेंगे, डिविडेंड यील्ड से नहीं करेंगे, तो ये वाला आंसर है इसका। तो आंसर है हमारा ये वाला। ठीक है दोस्तों, 9 क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए कंपनी हुज अर्निंग आर स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू द स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन में 99% बच्चे गलती करते हैं। कैसे करते हैं वो, क्या काम करते हैं कि इकोनॉमी स्टेक से रिलेटेड लिखा हो तो इकोनॉमी स्टॉक होगा, वो क्या सोचते हैं कि ये वाला आंसर होगा इसका, ठीक है कि ये होगा। लेकिन इकोनॉमी स्टॉक क्या होता है कि अगर किसी कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग है, कोई एक परसेंटेज एक इकोनॉमिक वैल्यू अगर किसी ने शेयर परचेज किए हुए हेल्ड किए हुए तो उसको इकोनॉमिक स्टॉक बोला जाता है, इकोनॉमिक स्टॉक्स। तो यहाँ पे तो उस चीज़ से रिलेटेड कोई नहीं है, एक कंपनी हुज अर्निंग स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज, तो यहाँ पे ये उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, साइक्लिकल स्टॉक का मतलब क्या होता है, साइक्लिकल स्टॉक का मतलब होता है कि जो भी स्टॉक मैक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल का मतलब समझ रहे हो, जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के अंदर मैक्रो लेवल पे, पूरे लेवल पे क्या चल रहा है, जो उसके बेस पे जो रिएक्ट करते हैं उसको साइक्लिकल स्टॉक्स बोलते हैं। तो यानी कि इसका आंसर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, बी, साइक्लिकल स्टॉक्स। इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको समझा दिया, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जितने शेयर हेल्ड करते हैं उसको इकोनॉमी स्टॉक्स बोलते हैं। साइक्लिकल क्या होता है, माइक्रो लेवल पे जो इम्पैक्ट आता है कि रिसेशन आ रहा है इकोनॉमी में, आपका बूम आ रहा है, या फिर क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसका इम्पैक्ट मैक्रो लेवल पे पड़े, वो वाले स्टॉक साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। वैल्यू स्टॉक कौन से होते हैं, जिनकी प्राइस वैल्यू तो कम है बट फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आने वाले टाइम में उनकी पोटेंशियल है कि वो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन आज के डेट में रुपए कम है, उनकी प्राइसिंग कम है, तो उसको बोलते हैं वैल्यू स्टॉक्स। एक होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स, जिनकी प्राइसिंग भी अच्छी है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके बढ़ने के बहुत चांस है, उनको बोलते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 11 से 20। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।